अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर स्टूडेंट, प्लीज़ ओपन योर मैथ बुक पेज नंबर 13। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आपको कल करवाया था और 3 और 4 होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आता है। अब 1 में से 2 माइनस नहीं मैं कर सकती, इसलिए मैं 6 से यहाँ पर 1 कैरी ले लूँगी, तो ये क्या बन जाएगा? 11। 11 में से 2 माइनस करें तो 9 आता है। अब 6 ने इसको कैरी दिया, इसलिए यहाँ पर 5 बच गया। अब 5 में से 7 माइनस करें तो वो नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं यहाँ से 3 से 1 कैरी ले लूँगी, तो ये क्या बन जाएगा? 15। 15 में से 7 माइनस करें तो 8 आता है। अब इसने यहाँ पर कैरी दिया, इधर क्या रह गया? 2। अब 2 में से 3 नहीं माइनस हो सकता, इसलिए मैं यहाँ से कैरी ले लूँगी, तो ये 12 बन गया। 12 में से 3 माइनस करें 9। अब यहाँ पर 7 रह गया, 7 में से 8 नहीं माइनस हो सकता क्योंकि 7 छोटा है और 8 बड़ा है। फिर मैं यहाँ से 1 कैरी लूँगी तो ये 17 बन गया। 17 में से 8 माइनस करें तो 9 आता है। अब यहाँ पर 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आता है। 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आता है। 8 में से 7 माइनस करें 1 आता है। 6 में से 4 माइनस करें 2 आता है। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है। 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क करेंगे, इसको नीट कॉपी पे राइट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक, और अपने पेरेंट्स को चेक करवाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।